सबसे पहला सवाल हम वीडियो से लेते हैं। ये हमारे नौशाद शेख भाई हैं जो पूछ रहे हैं कि क्या हम जुमा की मुबारकबादी दे सकते हैं कि नहीं, यानी जो जुमा का दिन है उसमें हम एक दूसरे को जुमा मुबारक कह सकते हैं कि नहीं। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से या सहाबे कराम रदियल्लाहु अन्हुम की सुन्नत से या ताबईन के आसार से हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है। जबकि हम और आप सब जानते हैं कि जुमा की नमाज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी होती थी, सहाबा के दौर में भी होती थी और ताबीन के दौर में होती थी, हमेशा ये नमाज़ होती थी और आज तक होती रही है। लेकिन हमें सलफ़ से इसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं मिलती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबे कराम या ताबीन एक दूसरे को जुमा की मुबारकबाद देते रहे हों, इसलिए हमें उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए और इबादत के मामले में सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबे कराम से साबित है। खुलासा ये कि जुमा की मुबारकबाद देना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से या सहाबा के आसार से साबित नहीं है, इसलिए इससे बचना चाहिए, इससे इज्तनाब ज़रूरी है क्योंकि ये सुन्नत से साबित नहीं है।